बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को अब असम राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। अब वो प्रदेश में विधायक और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। अब नेता प्रतिपक्ष के साथ ही उदयपुर शहर की विधानसभा सीट खाली होने वाली है। अब क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है, उदयपुर शहर में उपचुनाव की संभावनाएं कम है, मगर 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान ये सीट अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उदयपुर शहर की सीट पर पिछले 20 साल यानी 2003 से कटारिया लगातार विधायक बनते आए हैं। 2008 और 2018 में सत्ता में कांग्रेस की वापसी तो जरूर हुई, लेकिन कटारिया की काट आज तक कोई नहीं निकाल पाया। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी इसे बीजेपी के सेफ सीट माना जा रहा है, पर कटारिया के जाने के बाद यहाँ सियासी समीकरण बदल सकते हैं। कांग्रेस उदयपुर शहर सीट को अपने लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सीटों में से एक मानती है। इसकी एक वजह ये भी है कि 1980 से बीजेपी नई पार्टी बनने के बाद अब तक इस सीट पर कांग्रेस सिर्फ दो बार जीत हासिल कर पाई है। साल 1985 से 1990 में डॉक्टर गिरिजा व्यास और फिर 1998 से 2003 में त्रिलोक पूर्बिया केवल दो कांग्रेस प्रत्याशी ही यहां से चुनाव जीत सके। भले ही उदयपुर शहर सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है, मगर कभी ये कांग्रेस की मजबूत सीट हुआ करती थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर शहर सीट से विधायक रहे थे। 1951 में राम राज्य परिषद पार्टी के देवी सिंह के बाद 1957 से 1972 तक मोहनलाल सुखाड़िया लगातार यहां से विधायक रहे। इस दौरान 14 साल तक वो मुख्यमंत्री भी रहे, मगर उनके सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस सिर्फ दो बार ही चुनाव जीत सकी। सुखाड़िया की सीट छोड़ने के बाद भारतीय जनसंघ से भानु कुमार शास्त्री ने 1972 का विधानसभा चुनाव जीता। तब राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। इसके बाद पहली बार 1977 में गुलाब चंद कटारिया ने इस सीट से चुनाव जीता था, तब वो जनता पार्टी से विधायक बने थे। इसके बाद 1980 में जब बीजेपी बनी तो उनके ही बैनर तले कटारिया ने दोबारा यहां से चुनाव जीता। उदयपुर शहर उन चुनिंदा सीटों में से है जिन पर ओवरऑल बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा समय तक राज किया है। अब तक 15 विधानसभा चुनावों में से 7 बार इस पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 बार ही जीत सकी। इसके अलावा एक एक बार जनसंघ, जनता पार्टी और राम राज्य परिषद ने चुनाव जीता। उदयपुर शहर को पूरी तरह जैन और ब्राह्मण डोमिनेंट सीट माना जाता है। यही वजह है कि 1957 से लेकर अब तक एक मौके को छोड़ दिया जाए तो यहाँ जैन या ब्राह्मण नेता ही विधायक बने। साल 1951 में देवी सिंह के बाद यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया और गुलाब चंद कटारिया जैन विधायक रहे। वहीं भानु कुमार शास्त्री, डॉक्टर गिरिजा व्यास, शिव किशोर सनाढ़िया के रूप में ब्राह्मण विधायक रहे। 1958 में कांग्रेस से विधायक बने त्रिलोक पूर्बिया कलाल समाज से ब्राह्मण चेहरों पर दावेदारी जता सकती है।